हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर. दिस इज पार्ट 6. 5 वीडियोस वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड. सो फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे इज सकम टू इंजरी. दीज आर रियली वेरी यूजुअल वर्ड. दीज आर ऑफन यूज देयर इन डे टू डे लाइफ and day to day newspapers as well. Like succumb to injury. Succumb to injury means dam todna, right? Like he succumbed to injury. Wo bahut lamba nahi chal paaye. He succumbed to injury. When we have very bad situations or the problems, you know, we should not give up. It is said that, you know, we should not succumb to the circumstances. And those who do not succumb to the circumstances, they overcome and become victorious, right? So we should not succumb to the situation. Succumb to pressure. Succumb to pressure means dabav ke aage jhukna. We should never succumb to pressure, never succumb to circumstances, never succumb to, well, this is not in our hand, right? But still, if we are optimistic, you know, we will not succumb to injury. Next, accomplice. Accomplice or associate. Associate. Accomplice means aid. I mean, one who helps in crime, like अपराध में साथ देने वाले व्यक्ति को accomplice कहते हैं. Helper in crime also you can say. Rendezvous, yeah, it is pronounced as rendezvous, hideouts or whereabouts. This is like hiding place. They were nabbed, like the STRF team traced rendezvous of hardcore criminals and nabbed 5 criminals. Nabbed means arrested. रेड हैंडेड, राइट? पता ठिकाना और छुपने का स्थान, दैट इज कॉल्ड रांदेवू, हाइडआउट्स और वेयर अबाउट्स. उसका पता ठिकाना क्या है? डू यू नो अबाउट हिज वेयर अबाउट्स? लाइक दिस, आई हैव गॉट द क्लू ऑफ हाइडआउट्स ऑफ दोज क्रिमिनल्स, हाइडआउट्स, राइट? ओके. कैश, अ प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड, जहाँ आर्म्स या वेपन्स को रखा जाता है. दैट्स वेरी सिंपल. रैकेट मीन्स एन इलीगल बिजनेस, गैर कानूनी धंधा और रैकेट. रैकेटियर, वन हु रन्स सच बिजनेस, यू नो ही इज कॉल्ड रैकेटियर. रैकेट चलाने वाले व्यक्ति को रैकेटियर बोलेंगे. बस्ट, अनरैवल. बस्ट ऑल्सो मीन्स यू नो अरेस्ट. बस्ट हैज सेवरल मीनिंग्स. बस्ट, अनरैवल, रिवील मीन्स सनसनी खेज, लाइक दैट वॉज बस्टेड, मीन्स एक सनसनी खेज खुलासा हुआ. इट वॉज बस्टेड यस्टरडे. यस, रिवील का मतलब होता है कोई चीज़ बताना. लाइक यू शुड नॉट टेल द फैक्ट टू द समवन हु कैन नॉट डाइजेस्ट. ही विल रिवील टू अदर, दूसरे के सामने वो खुलासा कर देगा, दूसरे के सामने वो उजागर कर देगा, है ना? वी आर गोइंग टू अनरेवल द फैक्ट बिहाइंड द मर्डर, बिहाइंड द केस, राइट? अनरेवल का मतलब होता है उजागर करना. बस्ट, अनरेवल, रिवील. इरप्ट और स्पार्क. इरप्ट का मतलब सिंपल होता है भड़क उठना. लाइक वायलेंस इरप्टेड इन दिल्ली, हिंसा भड़क उठी, राइट? वायलेंस स्पार्क्ड ऑल्सो यू कैन से. कन्फिस्केट सिंपली मीन्स जब्त करना और बरामद करना. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू आर नॉट परमिटेड टू कैरी योर मोबाइल फोन्स देर इन द एग्जामिनेशन, इफ यू कैरी योर मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन, योर मोबाइल फोन्स मे बी और कैन बी कॉन्फिस्केटेड. कॉन्फिस्केटेड में उसे जब्त किया जा सकता है, राइट? ड्रग पेडलर, वेरी कॉमन नाउडेज, नशे का धंधा करने वाला, नशे का सौदागर, ड्रग पेडलर. यस, लाइक ग्रूसम, हीनियस, ब्रूटल, ड्रेडफुल और बार्बरिक, क्रूएल मर्डर, जैसे बोलते हैं ना, नृशंस, जघन्य और निर्मम अपराध और हत्या. दिस कैन बी यूज देयर फॉर a very heinous crime, a very bad crime, you can say, you know, like gruesome crime, heinous murder, brutal, dreadful, barbaric, cruel. That way we can use these words. So these are very commonly used words. I hope this will be helpful to you. Thank you.